नमस्कार, एएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं नंदिता आपके साथ। चुनावी मौसम में जहां नेता, विधायक और मंत्री टिकट लेने के लिए कई पापड़ बेल रहे हैं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और अगर उनका टिकट कट गया तो विरोध कर रहे हैं और बगावत करने की धमकी पार्टियों को दे रहे हैं, कुल मिलाकर के टिकट के लिए तरस रहे हैं। वहीं एक नेता ऐसे भी है जिन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन उनके समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। यहाँ तक कि उनके समर्थक उनके सामने रो रहे हैं, अपनी पगड़ी उनके सामने रखकर उनको वास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। दरअसल गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सोमवार को उनके समर्थकों ने उन्हें मनाने के लिए मीटिंग रखी। मीटिंग में वन मंत्री से लोग मिन्नतें करने लगे, चौधरी के पास आकर लोग रोने लगे, लेकिन वो नहीं मान रहे। तभी पीछे से आए समर्थकों ने अपनी पगड़ी उतार कर मंत्री हेमाराम के सामने रख दी। ऐसे में मंत्री हेमाराम ने भी समझाइश करते हुए अपनी पगड़ी उतार कर नीचे रखना चाहा, लेकिन समर्थकों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और रोक लिया। सभी समर्थकों ने उन्हें इस बार भी चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन हेमाराम ने इनकार करते हुए कहा, करीब 5 से 6 घंटे तक इसी तरह समझाइश का कार्यक्रम चलता रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कैसे समर्थक छोटे बच्चे की तरह हेमाराम चौधरी की गोद में सर रख कर के रो रहे हैं और हेमाराम चौधरी उन्हें चुप करवा रहे हैं, लेकिन समर्थक उनसे चुनाव लड़ने की मिन्नत कर रहे हैं। समर्थकों ने कहा कि आज के समय के अंदर ऐसा नेता बहुत कम है जो कि अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। 1 रुपये तक का भ्रष्टाचार या कोई आरोप उन पर कभी नहीं लगा है। हेमाराम चौधरी जनता के लिए आधी रात को भी हाजिर रहते हैं। ऐसा नेता हमारे विधानसभा को फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी आखिरी चुनाव हमारे कहने पर लड़े। जब समर्थक नहीं मान रहे थे तो मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा, आप लोगों ने व्यू रचना बना दी है, इसको भेदना पड़ेगा। आप प्रसादी लीजिए, मैं अपना मन बना चुका हूँ। आपने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं अनजल त्याग दूंगा। मैं अनजल त्याग करके यहाँ बैठ जाऊंगा, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा, आप किसी को चुनाव लड़ाओ, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन समर्थक और कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। कार्यक्रम के बाद वन मंत्री हेमाराम ने कहा कि ये मीटिंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखी थी, लोगों ने मुझे जनता के दरबार में हाजिर होने को बोला था, मैंने उनके आदेश को तालीम करने के लिए यहाँ पर आया, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, मेरा चुनाव लड़ने का कतई मन नहीं है। ये बात अब नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ। बता दें, वन मंत्री हेमाराम चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि वे इस बार चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। वे कांग्रेस के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये बात पहले भी बता चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार उनकी जगह किसी और को मौका देना चाहिए। बता दें, सचिन पायलट गुट के सबसे वरिष्ठ नेता है हेमाराम चौधरी। ऐसे में अब देखते हैं कि क्या हेमाराम चौधरी के समर्थक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मना पाते हैं या नहीं, या फिर समर्थक उनके फैसले का मान करते हुए उनकी बात को समझेंगे और वो जो हेमाराम चौधरी कहेंगे वैसा कर लेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लेकर आऊँगी आपके लिए विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी बड़ी और ताज़ा अपडेट। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ एएनएन भारत। नमस्कार।